Let's do question number third of exercise 17A, that is quadrilateral. Question number third is, two sides of a parallelogram are in ratio. Two sides parallelogram ki ratio mein hai. If its perimeter is 56 cm, find the length of its sides. अगर उसका perimeter 56 cm है, तो हमें length निकालनी है. तो सबसे पहले हम parallelogram बना लेते हैं. तो देखिए, ये है हमारा parallelogram. Naming कर देते हैं A, B, C and D. अब इसकी sides हमें ratio में दे रखी है 4:3 और perimeter दे रखा है 56 cm. तो perimeter लिख लेते हैं. Perimeter of parallelogram दे रखा है हमें 56 cm और sides का ratio कितना दे रखा है 4:3 का मतलब अगर ये 4 है तो ये 3 है क्योंकि हमें पता है opposite sides equal होती हैं तो इसका मतलब ये भी 4 होगी और ये भी 3 होगी राइट अब जब भी रेशियो में दे रखी है अगर आपने मेरे पास चैप्टर्स जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वो आपने देखे हो तो मैं आपको बताया था कि जब भी रेशियो में साइड्स दी हुई होती हैं तो हम उसको लेट कर लेते हैं तो लेट द लेंथ ये क्या हो गई ए बी तो लेट द ए बी बी 4x वेरिएबल रख लेते हैं साथ में जब भी रेशो में हो फिर से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे साइड्स रेशो में दे रखी थी जब भी साइड्स रेशो में होती है तो हम उसको लेट कर लेते हैं तो मैंने यहाँ नेमिंग किया हुआ है ए बी तो इसलिए ए बी ले रही हूँ लेट द ए बी बी 4x और बी सी बी 3x 4x एंड बी सी बी 3x राइट अब ए बी पैरेललोग्राम है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो हम ये कह सकते हैं एज आप इससे पहले इंट्रो जरूर देखें ऑपोजिट साइड्स उसकी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हुई है एज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं पैरेलल एंड इक्वल तो हमारी ए बी किसकी इक्वल हो गई डी सी के जो कि हो गई 4x इसी तरीके से हमारी बी सी किसकी इक्वल हो गई ए डी के जो कि हो गई 3x अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है देखिए यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है तो हमें पता है पेरीमीटर हमने अपने 21 चैप्टर में पढ़ा था कि पेरीमीटर जब भी निकालना हो तो हम सारी साइड्स ऐड कर देते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए बी सी डी पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होगा सारी साइड्स को ऐड करना तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हो गया राइट और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर ये रहा देखिए क्वेश्चन में भी दे रखा था 56 सेंटीमीटर राइट तो 56 सेंटीमीटर लिख दिया अब ए बी कितनी दे रखी है देखिए ए बी 4x बी सी कितनी दे रखी है 3x सी डी कहें या डी सी कहें बात एक ही है इसी तरीके से ए डी कहें या डी ए कहें बात एक ही है तो सी डी दे रखी है 4x और डी ए दे रखी है 3x तो अब देखिए हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाती हैं तो ये सारी लाइक टर्म्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगी तो 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 3 = 14 तो 56 = 14x है अब x अपनी जगह रहेगा और 14 दूसरी साइड जाके काय का हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 56 अपनी जगह रहा अपॉन 14 तो ये देखिए 14 × 4 = 56 तो x कितना आ गया 4 आ गया अब x 4 आ गया तो ए बी हमारी निकल जाएगी या सी डी कहें या डी सी कहें वो निकल जाएगी जो कि थी 4x तो 4 × x की जगह हमने 4 रख दिया ये जो हमारी 4 वैल्यू दे रखी है राइट तो ये कितना आ गया 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर आ गया अब इसी तरीके से बी सी कहें या डी ए कहें बात एक ही है जो कि थी 3x तो यहाँ पे डी ए कहें या ए डी कहें बात एक ही है तो 3 × x की वैल्यू 4 तो ये कितना आ गया
थ्री फोर जर 12 सेंटीमीटर। तो हमारी सारी साइड्स आ गई कि ऑपोजिट साइड, ये देखिए ये दोनों हुई हमारी 16 सेंटीमीटर और ये हुई हमारी 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 17 ए दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमें इन पैरेललोग्राम्स के नेम करने हैं। द डायगनल्स आर इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगनल्स इक्वल हैं एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल और उसकी एडजेसेंट साइड अनइक्वल है। तो अगर आपने मेरा इंट्रो देखा होगा तो देखिए एडजेसेंट साइड अनइक्वल है तो हमारी रेक्टेंगल में भी अनइक्वल होती हैं एडजेसेंट साइड और डायगनल्स उसकी इक्वल होती हैं। देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती थी लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं होती थी। रोम्बस में डायगनल्स इक्वल होती थी लेकिन सारी साइड्स भी इक्वल होती थी लेकिन रेक्टेंगल में ये एडजेसेंट साइड ये वाली और ये वाली हुई तो ये अनइक्वल है। ए बी सी डी ये अनइक्वल है लेकिन इसकी जो डायगनल्स होती थी वो क्या होती थी इक्वल होती थी राइट। तो ये क्या है हमारा रेक्टेंगल। तो यहां नेमिंग कर देते हैं ये क्या कहलाएगा रेक्टेंगल राइट। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं द डायगनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब सारी साइड्स भी इक्वल हैं डायगनल भी इक्वल है। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती थी लेकिन उसकी डायगनल्स इक्वल नहीं होती थी लेकिन स्क्वायर देखें देखिए स्क्वायर देखें तो इसकी डायगनल्स भी इक्वल होती हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं तो दैट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर दैट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर राइट। अब लास्ट पार्ट देखते हैं द डायगनल्स आर अनइक्वल डायगनल्स अनइक्वल है एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि रोम्बस जो होता था उसकी साइड्स इक्वल होती थी एडजेसेंट साइड सारी इक्वल होती थी लेकिन डायगनल्स क्या होती थी अनइक्वल होती थी डायगनल्स इक्वल नहीं होती थी राइट। तो इट्स अ रोम्बस आंसर।